हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा आईडियो में हिसाब बना देंगे। मैंने किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात की। हाल हाशमी का यू टर्न, इस्तीफे से पीछे हट गए। चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त कर दी। रजा रब्बानी में मुलाकात में कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया कबूल ना किया जाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं जब बकरे की कुर्बानी कबूल नहीं होगी तो बकरा तो भागेगा ही। एक दिन कुर्बानी दी, दूसरे दिन उसे सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया तो बकरा तो भागेगा ही। मुशाहिदुल्लाह खान बोले, निहाल हाशमी ने इस्तीफा वापस लेकर अच्छा फैसला नहीं किया। आसिफ किरमानी का कहना है, लगता है हमारी किसी सियासी मुखालिफ जमात ने निहाल हाशमी को गोद ले लिया। निहाल हाशमी के इस्तीफा वापस लेने पर सियासी पारा हाई हो गया। सेनेटर एतजाज एहसन कहते हैं निहाल हाशमी की जुबान में नवाज शरीफ ही बोल रहे हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि पहले दिन कह दिया था निहाल हाशमी का इस्तीफा कुछ नहीं। शेख रशीद का कहना है कि इदारों से हुकूमती लड़ाई का नतीजा खौफनाक होगा। जे आई टी का इजलास, SACP कारपोरेट सुपर वॉर विंग वाइस विंग के सरबरा आबिद हुसैन ने हुदैबिया पेपर मिल का रिकॉर्ड जमा करा दिया। हुदैबिया पेपर मिल से मुतल्लिक इसहाकजार का मनी लॉन्ड्रिंग पर एतराफी बयान भी रिकॉर्ड में शामिल। इजलास में एक माह की कारकर्दगी का भी जायजा। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। रमजानुल मुबारक में हर सूरत सारफीन को बिजली फराहमी के इकदाम करें। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का अजलास। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब शरीक। काबीना की तवानाई कमेटी के LNG के 1200 मेगावाट का नया मंसूबा लगाने की मंजूरी। मुल्क में जारी बिजली का बहरान संगीन होने का खदशा। IPPs की वाजिबात की अदमदायगी पर प्लांट्स बंद करने की धमकी। IPPs की वजीर आजम से वाजिबात फौरी अदा करने की अपील। कौमी असेंबली इजलास, शाह महमूद कुरैशी के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का हंगामा। हुसैन नवाज की तस्वीर और कतरी शहजादे का नाम लेने पर राना हयात और मियां मनान नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर कौम असेंबली सरदार अयाज सादी की हुकूमत अपोजिशन डेडलॉक खत्म कराने के लिए मुतहरिक। स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और सीनियर वज़रा का इजलास। हुकूमत और अपोजिशन लचक का मुजाहरा करें, स्पीकर की दरख्वास्त। हुकूमत ने मामलात को बिगाड़ा, हमारी तकरीर बराह रास्त दिखाई जाए, अपोजिशन लीडर का मुतालबा। बाग आजाद कश्मीर के मदरसे में लगने वाली आग को 3 घंटे बाद भी काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के 3 और पाक आर्मी की 2 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर के दोहा एयरपोर्ट पर फंसे 550 पाकिस्तानी उमरा जारीन का मामला। तमाम पाकिस्तानी कतर एयरवेज की बजाय ओमान एयरवेज के जरिए रवाना होंगे। 400 पाकिस्तानियों को खसूसी तैयारी के जरिए कतर से मस्कत पहुँचा दिया गया। 550 पाकिस्तानी उमरा जारीन को आज सऊदी अरब पहुंचा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट 606 अरब रुपए का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि 449 नए तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जख्मी। लाहौर में तेज हवाएं गर्मी के सामने डट गई। कराची में मौसम गर्म और खुश्क। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में अमन कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, बरतानिया, चीन, पाकिस्तान, भारत समेत 26 ममालिक के नुमाइंदे शरीफ। पाकिस्तानी वफद की क़यादत तस्नीम असम कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने में कामयाब नहीं होंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बका की जंग लड़ेगा। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए कौमी टीम को लाजमी फतह दरकार। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच बारिश की नजर हो गया, बगैर किसी नतीजे के खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार के 33 बरस मुकम्मल हो गए। गोल्डन टेंपल में भारत मुखालिफ नारे लगाए गए। अमृतसर की फजा खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। और चीन में तैयार किया जाने वाला अनोखा फ्लाईओवर सड़कों की 5 लेयर्स और 20 रैंप्स हैं। 16,000 मीटर तवील फ्लाईओवर में गाड़ियां 8 मुख्तलिफ चमकों में जा सकती हैं। गलती पर ड्राइवर 1 किलोमीटर से भी कम फासले से सही राह पर गामजन हो सकता है।